बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ममता बनर्जी पर भी हमला सामने आया। बंगाल के हालात ठीक नहीं है। जेपी नड्डा की तरफ से कहा गया टीएमसी के लोग महिलाओं के लिए खतरा हैं। संदेश खाली में हथियार बरामद हो रहे हैं। सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर मिली है। जांच एजेंसियों की टीम पर हमला हुआ है। शाहजहां जैसे लोग खतरा पैदा कर रहे हैं। संदेश खाली का मुद्दा इस बार खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से महिलाओं के साथ वहां पर उत्पीड़न किया जा रहा था, टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके बाद जो बचाने की कोशिश शाहजहां शेख को लेकर टीएमसी की तरफ से की गई, भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा मुद्दा आड़े हाथों लिया और देखिए अब किस तरीके से इस मुद्दे को बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसलिए तमाम जो दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, मंच से इस मुद्दे पर लोगों के सामने अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो संदेश खाली का मुद्दा माना जा रहा है कि इस बार, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ वहां पर, जमीन हड़पने के जिस तरीके से तमाम मामले सामने आए, महिलाएं सामने आए और संदेश खाली की पीड़िता को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुलाकात की। तो अब देखिए जेपी नड्डा इसी मुद्दे को लेकर ये कह रहे हैं कि संदेश खाली में जो हथियार बरामद हो रहे हैं, क्योंकि परसों वो तस्वीर सामने आई थी, सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर मिली थी, गोला बारूद मिला था और फिर ये माना जा रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है पश्चिम बंगाल में। आपको याद होगा ईडी की टीम जब वहां पर कार्यवाही करने पहुंची थी तो ईडी के अधिकारियों पर अटैक कर दिया गया था, फिर सीबीआई की टीम वहां पर गई, एनएसजी कमांडो तैनात किए गए क्योंकि माहौल खराब ना हो, किसी तरीके से अधिकारियों पर अटैक ना किया जाए। और जब ऑपरेशन चलाया गया तो विदेशी हथियार बरामद किए गए, रिवॉल्वर मिले, गोला बारूद मिला और ये शाहजहां शेख के करीबी के घर से ये सब कुछ मिला। इसीलिए अब इस पूरे मुद्दे को लेकर ये समझा जा रहा है कि बंगाल के हालात ठीक नहीं है। जेपी नड्डा इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि टीएमसी के लिए लोग, जो टीएमसी के लोग हैं वो महिलाओं के लिए खतरा है, क्योंकि वहां की तमाम महिलाएं हैं जिन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है। और ऐसे में आप देखिए जब भी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन होता है, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हो, तो वहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं, उपद्रव की तस्वीरें सामने आती हैं, जुलूस अगर वहां पर निकलता है तो पथराव किया जाता है, हालात खराब हो जाते हैं, राज्य में माहौल जो होता है शांति भंग हो जाती है। और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर हमला बोला, उनकी सरकार पर हमला बोला।